चुनावी जनसभा में इकट्ठा हुए बीएसपी के सभी छोटे बड़े पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ता गण, आज आप लोग उत्तर प्रदेश में विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में कोरोना नियम का पालन करते हुए अपनी पार्टी के सहारनपुर मंडल के उम्मीदवारों के समर्थन में मुझे सुनने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और अब मैं सबसे पहले अपनी पार्टी के संबंध में ये कहना चाहूंगी कि हमारी पार्टी ये चुनाव उत्तर प्रदेश की सभी विधानसभा की सीटों पर अकेले अपने बलबूते पर ही पूरी तैयारी व दमदारी के साथ लड़ रही है। इसके साथ ही यहाँ सन 2007 की तरह फिर से अपनी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए लड़ रही है, ताकि आपको वर्तमान में भाजपा के चल रहे जातिवादी, संकीर्ण, अहंकारी व तानाशाही वाले शासन से मुक्ति मिल सके। इसके साथ ही हमारी पार्टी ने पूर्व की तरह इस चुनाव में भी बीएसपी से जुड़ने की तादाद को ध्यान में रखकर फिर उसी अनुपात में ही यहाँ सर्व समाज के लोगों को टिकट भी दिए हैं। और अब इस चुनाव में आप लोगों को अपना वोट कांग्रेस, बीजेपी, सपा व अन्य विरोधी पार्टियों को न देकर केवल अपनी एकमात्र हितेशी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को ही देना क्यों जरूरी है, उसे समझना होगा। हालांकि इस संदर्भ में आप लोगों को ये मालूम है कि आजादी के बाद शुरू में काफी लंबे समय तक केंद्र व उत्तर प्रदेश सहित देश के अधिकांश राज्यों में भी कांग्रेस पार्टी की ही अकेले या सरकारें रही हैं, किंतु इनकी गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली की वजह से ही अब ये पार्टी केंद्र के साथ साथ बहुत पहले ही यहाँ उत्तर प्रदेश की सत्ता से भी बाहर हो चुकी है। इसके साथ ही ये पार्टी जबरदस्त जातिवादी होने के कारण शुरू से ही हर मामले में यहाँ दलित, आदिवासी व अन्य पिछड़ा वर्ग विरोधी पार्टी भी रही है और अभी भी है, जिस कारण केंद्र में रही इस कांग्रेस पार्टी की सरकार ने इन वर्गों के मसीहा व भारतीय संविधान के मूल निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न की उपाधि से भी सम्मानित नहीं किया था, जिसके लिए वो हर प्रकार से पात्र भी थे। इतना ही नहीं बल्कि इनकी मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी समर्पित करने वाले माननीय श्री कांशीराम जी के देहांत होने पर भी केंद्र में उस समय इसी कांग्रेस पार्टी की रही सरकार ने उनके सम्मान में एक दिन के लिए भी राष्ट्र शोक घोषित नहीं किया था, तथा न ही इस पार्टी की रही सरकार ने पिछड़े वर्ग की आरक्षण संबंधी मंडल कमीशन की रिपोर्ट को भी लागू किया था, जिसे फिर बीएसपी ने अपने कड़े संघर्ष व अथक प्रयासों से केंद्र में रही श्री बीपी सिंह की सरकार से ही लागू कराया था। साथ ही इसी सरकार में ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया था, जो इनके अपार अनुयायियों की वर्षों से ये दिली चाहत भी थी। लेकिन अब केंद्र व अधिकांश राज्यों की भी सत्ता से बाहर होने पर यही कांग्रेस पार्टी खासकर दलितों
आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के वोटों की खातिर आए दिन किस्म किस्म की नाटकबाजी करती रहती है, जबकि इन वर्गों के मामले में इस पार्टी की सच्चाई तो ये है कि कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में होती है और इनके अच्छे दिन होते हैं तो तब इस पार्टी को इन वर्गों का विकास व उत्थान आदि याद नहीं आता है तथा ना ही इनको महिलाओं की भी भागीदारी याद आती है। इतना ही नहीं बल्कि इस पार्टी के बाद खासकर यहाँ सपा व बीजेपी आदि की बनी सरकार में भी यूपी की जनता अधिकांश मामलों में काफी ज्यादा दुखी रही है। सपा की सरकार में तो ज्यादातर यहाँ गुंडों, बदमाशों, माफियाओं, अराजक तत्वों व सरेआम लूट खसोट करने एवं अपने राजनीतिक स्वार्थ में दंगे फसाद आदि कराने वालों का ही राज रहा है, जिसकी खास वजह से ही इस सरकार में आए दिन यहाँ तनाव की स्थिति बनी रही है तथा दंगे आदि भी खूब हुए हैं। इस मामले में पश्चिमी यूपी का मुजफ्फरनगर कांड इसका खास उदाहरण भी है। आपके नजदीकी मुजफ्फरनगर जिला लगा है। जब सपा सरकार में उधर दंगे हुए तो बड़े पैमाने पर जाटों के साथ साथ मुसलमानों को भी जानी माली नुकसान हुआ, जबकि बरसों से मुजफ्फरनगर शामली कैराना में वहां जाटों और मुस्लिम समाज में भाईचारा बना हुआ था, लेकिन सपा की सरकार में इस भाईचारे को मुजफ्फरनगर कांड की आड़ में खत्म किया गया। ये भी आप लोगों को मालूम है। और इतना ही नहीं प्रदेश में विकास के कार्य भी ज्यादातर यहाँ एक विशेष क्षेत्र व एक समुदाय के लोगों तक ही सीमित होकर रह गए हैं। सपा की सरकार में प्रदेश में विकास के कार्य भी ज्यादातर यहाँ एक विशेष क्षेत्र व एक समुदाय के लोगों तक ही सीमित होकर रह गए हैं। खासकर दलितों व अति पिछड़े वर्गों के मामले में तो हर स्तर पर अधिकांश समय इनका सोतेला रवैया ही देखने के लिए मिला है। इसके साथ ही सपा सरकार में इनके संतों, गुरुओं व महापुरुषों आदि को भी सम्मान नहीं दिया गया है, अर्थात इनका हमेशा अनादर ही किया गया है, जिसकी जानकारी आप सभी लोगों को भी है, उन्हें यहाँ मैं दोहराना नहीं चाहती हूँ। मुसलमानों के साथ भी तो सपा सरकार में तो जितना इनको आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए था मुस्लिम समाज के लोगों को, वो नहीं दिया गया और इनकी तरक्की तो बहुत दूर की बात रही। तो ये पूरे यूपी के मुस्लिम समाज के लोगों को ये मालूम है कि समाजवादी पार्टी के सत्ता से बाहर जाने के बाद और बीजेपी के सत्ता में आने के बाद यहाँ पूरे यूपी में सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी को मुसलमानों ने साथ दिया, सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी को मुस्लिम समाज ने साथ दिया, ये भी किसी से छिपा नहीं है। लेकिन हुआ क्या कि पूरे मुस्लिम समाज ने पूरे यूपी में समाजवादी पार्टी का साथ दिया, उनका हौसला बढ़ाया, लेकिन उसके बदले में मैं मुस्लिम भाइयों से पूछना चाहती हूँ, आपको क्या मिला? जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा के आम चुनाव घोषित हुए तो मैं मुसलमानों से पूछना चाहती हूँ, पूरे यूपी में कितने टिकट समाजवादी पार्टी ने दिए हैं? आप पूरे यूपी की बात तो छोड़ो, आप सहारनपुर में ही देखो तो जो लोग पूरे 5 साल समाजवादी पार्टी की सेवा करते रहे और उनके सुख दुख की घड़ी में खड़े रहे, लेकिन सपा ने जब उनको आगे मौका देने का बात आई
इलेक्शन अनाउंस हुए, जब टिकट देने की बात आई तो टिकट मुसलमानों को ज्यादा नहीं दिए गए, बहुत कम दिए गए। उनको ये लगा सपा के मुखिया को कि मुसलमान तो मेरी अपनी जेब में है, इनको टिकट दे या ना दे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये सपा को लगा। लेकिन मैं अपने मुस्लिम भाइयों को ये बताना चाहती हूँ, खास तौर से सहारनपुर मंडल के मुस्लिम भाइयों को, कि आप लोगों को आपके समाजवादी पार्टी के मुखिया को सपा को ये बता देना है कि मुस्लिम समाज तो उनकी जेब में नहीं है, वो अपने अधिकारों के लिए सजग है, और ये मुस्लिम समाज उसी पार्टी के साथ जाएगा जो पार्टी मुसलमानों के जान माल मजहब की हिफाजत करने के साथ साथ उनको जिंदगी के हर पहलू में आगे बढ़ने का मौका देती है, उनको राजनीति में भी आगे बढ़ने का मौका देती है। और ये मौका मुस्लिम भाइयों को, अन्य वर्गों के साथ साथ मुस्लिम भाइयों को तो बहुजन समाज पार्टी ने सत्ता के अंदर भी दिया है अपनी सरकार में, और जब जो भी चुनाव हुए हैं, चाहे छोटा चुनाव हुआ हो या बड़ा चुनाव, तो मुस्लिम समाज को हमने उचित भागीदारी दी है, ये भी आप लोगों को मालूम है। और इतना ही नहीं, मुझे तो ये बताया गया कि सहारनपुर में एक अपने आप को मुस्लिम समाज का बड़ा नेता मानता है, कांग्रेस छोड़कर बेचारा सपा में गया कि उसे टिकट मिल जाएगा, लेकिन उसको खाली हाथ आना पड़ा। ये तो अभी अभी गया था, लेकिन जो 5 साल से लग रहे थे सपा में, जब उनको टिकट नहीं मिला तो इसको कहां से मिलेगा, ये तो नया नया मेहमान था समाजवादी पार्टी में। तो ये सपा समाजवादी पार्टी की जो सोच है माइनॉरिटीज के मामले में, दलितों और पिछड़ों के साथ साथ, मैं समझती हूँ वो ठीक नहीं है। इसी प्रकार भाजपा सरकार की भी नीतियाँ व कार्यशैली अधिकांश यहाँ जातिवादी, पूंजीवादी एवं आरएसएस के संकीर्ण एजेंडे को ही लागू करने पर टिकी रही है, जिससे प्रभावित एवं शिकार हुए लोगों का इस सरकार में सही से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है। साथ ही इनका हर स्तर पर काफी ज्यादा उत्पीड़न भी किया गया है। धर्म के नाम पर वर्तमान भाजपा सरकार में धर्म के नाम पर हमेशा यहाँ तनाव व नफरत आदि का वातावरण ही बना रहा है। प्रदेश में अपराध भी काफी ज्यादा बड़े हैं, खासकर दलित, अकलियत व महिलाएं आदि भी इस सरकार में कतई भी सुरक्षित नहीं है। मुजफ्फरनगर के लोग भी अच्छी प्रकार से जानते हैं, सहारनपुर के लोग भी, शामली जिले के लोग भी, और मैं खास तौर से सहारनपुर जिले में जो दलित वर्ग के लोग हैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि जैसे ही यूपी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो सबसे पहले यूपी में सहारनपुर जिले में दलितों का उत्पीड़न हुआ, बड़े पैमाने पर दलितों का उत्पीड़न हुआ। शब्बीरपुर कांड इस बात का जीता जागता उदाहरण है। शब्बीरपुर कांड भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ, और आप लोगों को ये मालूम है इस कांड की आड़ में जो वर्षों से यहाँ क्षत्रिय और दलितों में भाईचारा था उसको खत्म करने का पूरा पूरा प्रयास किया गया। शब्बीरपुर कांड में लोगों दलितों को जानी माली नुकसान पहुंचाया गया, बीजेपी जैसे ही पावर में आई उनके दिमाग खराब हो गए, और सबसे ज्यादा पहले हमला इन्होंने दलितों के ऊपर किया। शब्बीरपुर कांड जो है बड़े पैमाने पर लोगों को जानी माली नुकसान हुआ। उस समय मैं मेंबर पार्लियामेंट थी, राज्यसभा की सदस्य थी, और मैं यहाँ शब्बीरपुर गांव में आई थी। मैंने लोगों की काफी खराब हालत देखी थी, किस तरीके से लोगों को प्रताड़ित किया गया था, और जब मैंने इस मामले को राज्यसभा में उठाया पार्लियामेंट में तो सरकार के लोगों ने मुझे बोलने नहीं दिया, सरकार के मंत्री सब खड़े हो गए। तो उसके बाद मैंने फैसला लिया कि जब मैं अपने लोगों की आवाज पार्लियामेंट में नहीं उठा सकती, मुझे बोलने नहीं दिया जाता, तो अब मैं पार्लियामेंट के बाहर अपने लोगों को जगाऊंगी, लोगों को तैयार करूंगी। और इसी मुद्दे पर मैं दलितों को बताना चाहती हूँ, उस समय मैंने राज्यसभा से भी इस्तीफा दिया था।
केवल इसी मुद्दे पर। तो मैं दलितों को ये बताना चाहती हूँ कि जो दलित वर्ग के लोग, कुछ नेता लोग अपने स्वार्थ में बीजेपी में चले गए, क्या वो सब्बीरपुर कांड को भूल गए? क्या वो सब्बीरपुर कांड को भूल गए? तो इसलिए आप लोगों को इस चुनाव में ना सपा को वोट देना है मुस्लिम भाइयों को, और दलितों को तो बिल्कुल भी नहीं देना है। जिसने सब्बीरपुर कांड कराया, दलितों को भुलाना नहीं है। मैं आपको बता रही थी कि धर्म के नाम पर हमेशा वर्तमान भाजपा सरकार में यहाँ तनाव व नफरत आदि का वातावरण ही बना रहा। प्रदेश में अपराध भी काफी ज्यादा बढ़े, खासकर दलित, अकलियत व महिलाएं आदि भी इस सरकार में कतई भी सुरक्षित नहीं रही हैं। लेकिन मीडिया में इनके सही आंकड़ों को अधिकांश दबा दिया जाता है। इसके अलावा प्रदेश में गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों व अन्य मेहनतकश लोगों के साथ साथ दलितों, आदिवासियों, अन्य पिछड़े वर्गों, मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के हित व कल्याण के लिए वर्षों से जो भी यहाँ सरकारी योजनाएं चल रही थी, तो उनका भी उन्हें वर्तमान भाजपा सरकार में सही से पूरा लाभ नहीं मिल सका है। खासकर दलितों व पिछड़ों को आरक्षण का भी पूरा लाभ नहीं मिल पाया है, क्योंकि इन्होंने बड़े बड़े सरकारी कार्य ज्यादातर प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही कराए हैं, जिसमें इनके लिए आरक्षण की कोई भी व्यवस्था नहीं है। सरकारी नौकरियों में भी इनका आरक्षण का कोटा पूरा नहीं किया गया है। मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के साथ तो बीजेपी की सरकार में अधिकांश या पक्षपात वाला रवैया ही अपनाया गया है। इतना ही नहीं, बल्कि इस बार बीजेपी की सरकार में अपर कास्ट समाज में से विशेषकर प्रबुद्ध वर्ग भी हर मामले में अपने आप को काफी ज्यादा उपेक्षित महसूस करता रहा है। इसके अलावा इनकी गलत आर्थिक नीतियों के कारण यहाँ गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि भी काफी ज्यादा बढ़ी है। खासकर चुनाव घोषित होने से पहले तो डीजल, पेट्रोल व रसोई गैस आदि की आए दिन बड़ी कीमतों ने भी जनता की काफी ज्यादा मुश्किलें बढ़ाई हैं, और ऐसा लगता है कि चुनाव खत्म होने के बाद पुनः इनकी कीमतें बढ़ा दी जाएंगी। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश के किसान भी केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण काफी ज्यादा दुखी व परेशान रहे हैं, और अभी भी है। किसान तो अभी भी है, परेशान है। प्रदेश में बेरोजगार लोगों को रोजगार नहीं मिलने के कारण ही ज्यादातर इनको इस सरकार में भी पलायन करना पड़ा है। इस प्रकार से इन सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में शुरू से यहाँ यूपी की जनता काफी ज्यादा दुखी व परेशान रही है। विशेषकर कोरोना महामारी के दौरान तो इन सभी की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई है। ऐसे में इन सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों से निजात पाने के लिए अब इस चुनाव में यहाँ प्रदेश की जनता को अपनी एकमात्र हितेशी पार्टी बहुजन समाज पार्टी की ही सरकार बनाना बहुत जरूरी है, जिसने अपने चारों रहे शासनकाल के दौरान बिना पक्षपात व भेदभाव आदि के यहाँ कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों के लोगों के साथ साथ सर्व समाज में से गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, किसानों, व्यापारियों, कर्मचारियों, वकीलों एवं अन्य मेहनतकश लोगों के साथ ही युवाओं, छात्रों, महिलाओं व बुजुर्गों आदि के भी विकास व उत्थान के लिए अनेकों ऐतिहासिक व महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, और इस बार सरकार बनने पर वो सभी कार्य फिर से शुरू किए जाएंगे। इसके अलावा बीएसपी की रही सरकार में दलित एवं अन्य पिछड़े वर्गों में जन्मे अपने महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों आदि को भी विभिन्न रूपों में पूरा पूरा आदर सम्मान दिया गया है, जिनकी यहाँ सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में काफी ज्यादा उपेक्षा की गई है। इसके साथ साथ
डीएसपी की सरकार में पूर्व की तरह ही यहाँ सभी वर्गों, धर्मों व विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोगों के हितों में भी फिर से ऐतिहासिक कार्य किए जाएंगे। प्रदेश में विशेषकर गरीबी व बेरोजगारी आदि को दूर करने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे और ये हमारी सरकार का इस बार भी फिर से मुख्य एजेंडा होगा। साथ ही किसी भी मामले में किसानों को भी निराश नहीं होने दिया जाएगा, उनकी उपज का उनको वाजिब दाम दिया जाएगा और खेती करने के साधन भी समय से और सस्ते उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अलावा आपके सहारनपुर मंडल की जो भी यहाँ स्थानीय समस्याएं होंगी तो उन्हें भी दूर करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। हालांकि आपकी काफी स्थानीय समस्याएं मेरी पिछली रही सरकारों में ही दूर कर दी गई हैं, जो रह भी गई हैं तो उन्हें भी इस बार जरूर दूर कर दिया जाएगा। इसके साथ ही केंद्र व यूपी सरकार के भी विवादित नियमों व कानूनों को यहाँ लागू नहीं होने दिया जाएगा। इतना ही नहीं बल्कि बीएसपी की रही सरकार में जिन महान संतों, गुरुओं एवं महापुरुषों आदि के आदर सम्मान में वे उनके नाम पर जनहित की जो अनेकों योजनाएं शुरू की गई थी, साथ ही नए बनाए गए जिलों के नाम भी रखे गए थे तो उन्हें अधिकांश सपा सरकार द्वारा बदल दिया गया है, जिन्हें फिर बीएसपी की सरकार बनने पर जरूर बहाल कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ बीएसपी की रही सरकार में सर्व समाज के व विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोगों के हितों में जो अनेकों महत्वपूर्ण व ऐतिहासिक फैसले लिए गए थे तो उन्हें फिर से लागू किया जाएगा। इसके साथ ही बीएसपी की सरकार बनने पर यहाँ बीजेपी व सपा आदि के शासनकाल की तरह कानून व्यवस्था को किसी भी कीमत पर खराब व लचर नहीं होने दिया जाएगा तथा हर स्तर पर कानून द्वारा कानून का राज ही कायम किया जाएगा। जाति व धर्म के आधार पर यहाँ लोगों का किसी भी प्रकार से शोषण व उत्पीड़न आदि नहीं होने दिया जाएगा, जैसा कि वर्तमान भाजपा सरकार में हो रहा है। खासकर कानून व्यवस्था को बेहतरीन बनाने के लिए विशेष अभियान के तहत वह दलगत राजनीति से ऊपर उठकर यहाँ गुंडों, बदमाशों, माफियाओं व अन्य अपराधी एवं अराजक तत्वों को भी जेल की सलाखों में ही भेजा जाएगा, जहाँ मेरी सरकार में इनकी जेल के बाहर नहीं बल्कि जेल के अंदर ही सही जगह होती है। इतना ही नहीं बल्कि वर्तमान भाजपा सरकार ने जाति, धर्म व राजनीतिक द्वेष की भावना के तहत जिन लोगों को खासकर धरना प्रदर्शन आदि के नाम पर जबरदस्ती गलत धाराओं में फंसा के उन पर अनेकों केस चलाए हुए हैं तो उन मामलों की भी सही से जांच करा के उनके केस भी खत्म कर दिए जाएंगे। अर्थात वर्तमान भाजपा सरकार में प्रदेश की जेलें जो अधिकांश ऐसे लोगों से भर दी गई हैं तो उन्हें खाली करा के केवल यहाँ आपराधिक तत्वों को ही रखा जाएगा। इसके अलावा प्रदेश में खासकर शिक्षा के क्षेत्र में वह अन्य और विभागों के भी कर्मचारी जो आए दिन अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन एवं हड़ताल आदि करते रहते हैं तो उन सभी मामलों को निपटाने के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा और उनकी सही मांगों को भी मान लिया जाएगा। इसके साथ ही विभिन्न मौकों पर भी मैंने सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय को लेकर जो भी कार्य करने के लिए कहा है तो उन पर भी जरूर अमल किया जाएगा, लेकिन ये सभी कार्य करने के लिए इस चुनाव में यहाँ बीएसपी की सरकार बनाना बहुत जरूरी है, जिसके लिए पार्टी के लोगों को वोट पड़ने तक यहाँ सभी विरोधी पार्टियों के साम दाम दंड भेद आदि हथकंडों से भी जरूर सावधान रहना है। और इस मामले में विरोधी पार्टियां चुनाव होने से कुछ समय पहले व चुनाव के दौरान भी अपने अपने पक्ष में हवा बनाने के लिए
खासकर मीडिया व ओपिनियन पोल एवं सर्वे आदि का जो बड़े पैमाने पर गलत इस्तेमाल करती है, तो उससे भी आप लोगों को बिल्कुल गुमराह नहीं होना है। जैसे सन 2007 के हुए विधानसभा चुनाव में उस समय मीडिया ने जो बीएसपी को लेकर ओपिनियन पोल व सर्वे आदि दिखाए गए थे और बीएसपी को नंबर 3 पर दिखाया गया था, लेकिन जब रिजल्ट आया बीएसपी नंबर 1 पर आई और बीएसपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। तो इस बार भी आप लोगों को इनके ओपिनियन पोल और सर्वे आप लोगों को गलत साबित करने हैं, ऐसा मैं आप लोगों से दरखास्त करती हूँ, अपील भी करती हूँ कि अपने सरकार बनाकर इनके ओपिनियन पोल और सर्वे आपको फिर से गलत साबित करने होंगे। इसके अलावा वोट पड़ने से कुछ घंटे पहले पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए विरोधियों द्वारा मेरे नाम से या पार्टी के अन्य किसी भी वरिष्ठ नेता या उम्मीदवार आदि के नाम से भी फर्जी पर्चे बांटे जा सकते हैं, जिससे आप लोगों को गुमराह नहीं होना है। ऐसे अनेकों और भी हथकंडे इस्तेमाल किए जा सकते हैं, उनसे भी आपको जरूर सावधान रहना है। इसके साथ ही पूर्व की तरह इस चुनाव में भी विरोधी पार्टियों ने विभिन्न रूपों में जो अपने हवा हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी किए हैं, जिन्हें सत्ता में आने के बाद ये पार्टियां अधिकांश अमल में नहीं लाती हैं, तो उनके बहकावे में भी आपको कतई नहीं आना है। जबकि इस मामले में बीएसपी किसी भी चुनाव में विरोधी पार्टियों की तरह अपना कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है, क्योंकि बीएसपी कहने में बहुत कम बल्कि कार्य करके दिखाने में ही ज्यादा विश्वास रखती है। और ऐसा हमने यह यूपी में अपनी चारों रही सरकारों में करके भी दिखाया है। इतना ही नहीं बल्कि हमारी पार्टी की चारों रही सरकारों ने प्रदेश में बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था को सुधारने के साथ साथ प्रदेश के विकास व आम जनहित के लिए जो असंख्य अति महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, वो अभी तक यहाँ किसी भी विरोधी पार्टी की सरकार ने नहीं किए हैं, बल्कि ज्यादातर उन्हीं कार्यों के नाम व स्वरूप आदि बदलकर अब विरोधी पार्टियों की सरकारें उन्हीं को ही भुनाने में लगी हैं। लेकिन उन कार्यों के प्रति इनकी नियत व सोच सही नहीं होने के कारण उसमें भी ये पार्टियां ज्यादा सफल नहीं हो पा रही हैं। और अब मेरा यही कहना है कि आप लोगों को इस चुनाव में अपने हित व कल्याण के लिए या फिर से यूपी में बीएसपी की सब जनहिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित सरकार बनाना बहुत जरूरी है, और इसके लिए पार्टी के लोगों को वोट पड़ने वाले दिन कोरोना नियमों का भी पालन करते हुए सबसे पहले सुबह उठते ही व समय से अपने अपने पोलिंग बूथों पर अपना वोट डालने के लिए जरूर जाना है। इसके साथ ही आपका वोट अन्य कोई व्यक्ति ना डाल सके, इसका भी आप लोगों को खुद ही ध्यान रखना है। इसके साथ साथ अपनी पार्टी का कोई भी वोट पड़ने से ना रह जाए, तो उसका भी पार्टी की हर पोलिंग बूथ की कमेटी को विशेष ध्यान रखना है। इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही अब मेरी बीएसपी के लोगों से यही अपील है कि पार्टी ने यहाँ के सहारनपुर मंडल में जिन भी विधानसभा की सीटों पर अपने उम्मीदवारों को चुनाव के मैदान में उतारा है, जो यहाँ आपके बीच में इधर मंच पर मौजूद भी हैं, तो उन्हें आप लोगों को वोट वाले दिन अपनी पार्टी के हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबा के जरूर जिताना है। भारी वोटों के अंतर से इनको जरूर कामयाब बनाना है। और फिर से आपको यहाँ सन 2007 की तरह बीएसपी की अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार जरूर बनाना है, तभी फिर प्रदेश में अमन चैन कायम होने के साथ साथ यहाँ सभी धर्मों व वर्गों के लोगों का भी
सही से विकास व उत्थान आदि हो सकता है। साथ ही यहाँ अन्याय, अपराध, भय व भ्रष्टाचार मुक्त एवं विकास युक्त वातावरण भी पैदा हो सकता है। और तभी फिर यहाँ परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि का भी सपना सही साकार हो सकता है। इस उम्मीद के साथ ही अब मेरा यही कहना है कि अब आप लोगों को हर पोलिंग बूथ को जिताना है और बीएसपी को सत्ता में लाना। इस विश्वास के साथ ही अब मैं पुनः अपनी पार्टी के इन सभी उम्मीदवारों को जिताने की पुरजोर अपील करते हुए अपनी बात यहीं समाप्त करूं। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों से ये भी गुजारिश करती हूं, क्योंकि पिछले कई दिन से पश्चिमी यूपी में, क्या पूरे यूपी में मौसम बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन खराब मौसम होने के बावजूद भी आप लोग यहाँ पर मुझे सुनने के लिए आए हैं, तो उसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। हालांकि पार्टी के वरिष्ठ लोगों ने मुझे ये कहा कि बहन जी मौसम बहुत ज्यादा खराब है, दलदल हो गया, जमीन पे हेलीकॉप्टर लैंड नहीं कर सकता, तो मैंने इनको बोला पुलिस लाइन में लैंड करा दो, वहां से मैं बाई रोड आ जाऊंगी। लेकिन प्रोग्राम में मैं जरूर आऊंगी, मैं अपने लोगों को निराश नहीं करना चाहती हूँ। और मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जो भी बातें मैंने आप लोगों के सामने कही हैं, उन सभी बातों को आप लोग हर विधानसभा में पोलिंग बूथ में के क्षेत्र में जा जाकर मेरी बातों को, इन सब बातों को आप लोगों को बताना है। और बीएसपी के उम्मीदवारों को आप लोगों को भारी वोटों के अंतर से जिताना है। याद रखो, वोट वाले दिन हो सकता है कि मौसम बहुत ज्यादा खराब हो जाए, लेकिन मौसम से डरना नहीं, बल्कि आप लोगों को खराब मौसम में भी सुबह उठते ही सबसे पहले अपने अपने पोलिंग बूथों पर जाकर अपने उम्मीदवारों को वोट डालना है। हमारे पार्टी के जो उम्मीदवार यहाँ स्टेज पे खड़े हैं, इनको भारी वोटों के अंतर से जिताकर यूपी की असेंबली में जरूर भेजना है। इस उम्मीद के साथ ही अब मैं अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, प्रेम कुमारी मायती जिंदाबाद, प्रेम कुमारी मायती जिंदाबाद। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।